चालाक भाई। एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम सूरज और बड़े भाई का नाम राकेश था। राकेश के पास बहुत सारे घोड़े थे, फिर भी राकेश सूरज के घोड़े बादल से जलता था। मेरे पास इतने घोड़े हैं, फिर भी बादल की तरह कोई घोड़ा नहीं है। क्या करूं जिससे मेरे पास बादल भी आ जाए? राकेश ने कई बार सूरज को पैसे का लालच दिया था बादल को खरीदने के लिए, और आज वो एक और कोशिश करने पहुंचा। सुन सूरज, तेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, बादल को कैसे पालेगा? मैं अच्छी कीमत दूंगा, बादल को मुझे बेच दे। नहीं भैया, बादल के अलावा कोई नहीं है मेरा, तो बादल को कैसे बेचूंगा? भले ही गरीब हूँ, खुद भूखा रह लूंगा, पर बादल को भूखा नहीं रखूंगा। मुझे तो बस तेरी फिक्र थी छोटे। इस बार फिर राकेश नाकाम हो गया। सूरज किसी भी हाल में अपने घोड़े बादल को बेचने के लिए तैयार नहीं था। राकेश हमेशा दिन रात बादल के बारे में ही सोचता रहता है। उसे किसी भी हालत में बादल चाहिए। तभी सूरज बादल के साथ राकेश के घर आता है। अरे वाह, अचानक से कैसे आना हुआ? भैया, मुझे काम मिला है। दिन भर काम पे रहूंगा तो बादल का ध्यान कौन रखेगा? तो क्या आप कुछ महीनों के लिए बादल को अपने पास रखेंगे? मैं वापस आऊंगा तो इसे ले जाऊंगा। अरे क्यों नहीं, तू बेफिक्र होके काम कर, बादल का ध्यान मैं रख लूंगा। ठीक है भैया, मुझे पता था आप बादल की जिम्मेदारी ले लोगे। चलो मैं चलता हूँ। अलविदा बादल, जल्द ही मिलेंगे दोस्त। जा जा, खुद से बादल को मुझे देने आया है, अब तो बादल मेरा है। राकेश हर दिन बादल की सवारी करता था और फिर उसे कई घंटों तक धूप में खड़ा रखता और खाने के लिए भी कम देता था। कुछ दिनों में बादल बीमार हो गया। मालिक, बादल 3-4 दिनों से बीमार है। हर दिन आप उसकी सवारी करते हैं, खाना भी कम देते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो बादल मर जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ, बादल मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं होगा। मालिक ऐसा मत कीजिए, वो बेचारा बेजुबान जानवर है, उसके जान की तो थोड़ी फिक्र कीजिए। तू मुझे मत सिखा क्या करना है और क्या नहीं, चुपचाप अपना काम कर, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। नौकर को बादल पर बहुत तरस आता है। अगले दिन नौकर सूरज के पास पहुँच जाता है। सूरज भैया, सूरज भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सूरज भैया, बादल को वहाँ से ले आओ, वरना बादल मर जाएगा। क्या, कैसे? हाँ, मालिक हर दिन बादल की सवारी करते हैं, सारा सारा दिन धूप में खड़ा रखते हैं, ऊपर से खाना भी कम देते हैं। 4 दिनों से बादल बीमार है, अब उसकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। सूरज भैया, मैं अभी बादल के पास वापस जाता हूँ। सूरज भैया, मेरा नाम मत बताना मालिक को, बोलना कि मेरे पास अदृश्य शक्ति है, उसी से आपको बादल के बारे में पता चला। सूरज गुस्से में राकेश के घर जाता है। भैया, भैया! अरे सूरज, तू इतनी जल्दी लौट आया, इतने गुस्से में क्यों है? भैया मुझे सब कुछ पता है, आप बादल को मारना चाहते हो। क्या, मैं क्यों ऐसा करूंगा? मुझे बादल के पास ले चलो। राकेश सूरज को बादल के पास ले जाता है। क्या हालत कर दी बादल की आपने, अगर मैं नहीं आता तो ये मर जाता। हर दिन सवारी करते हो, खाना भी कम देते हो और धूप में भी खड़ा रखते हो। तुझे ये सब कैसे पता? मेरे पास अदृश्य शक्ति है, मुझे सब दिखाई दे रहा था। अब आप बादल का सारा खर्चा देंगे और इसके अलावा अपने 3 घोड़े भी मुझे देंगे, वरना मैं पंचायत बुलाऊंगा। पंचायत का नाम सुनकर राकेश डर गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत पूरे गांव में नीलाम हो। अरे नहीं नहीं सूरज, तू मेरा छोटा भाई है, दिया तूने जो मांगा सब दिया, पर पंचायत मत बुला। अभी के अभी डॉक्टर को बुलवाइए। हाँ हाँ। डॉक्टर आया, बादल का इलाज शुरू हुआ। सूरज ने 3 घोड़े और बादल का खर्चा ले लिया और वहाँ से चला गया। अब राकेश और सुलग गया, वो अब भी बादल को पाना चाहता था। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बादल को तो मैं हासिल करके रहूंगा। 6 महीने बीत गए। गांव के सबसे अमीर घर में एक अनमोल हीरा चोरी हुआ, सेठ रामलाल के घर में। तभी उनके घर राकेश आया। मालिक,
मेरे छोटे भाई के पास अदृश्य शक्ति है, वो सब कुछ देख सकता है। वो आपका हीरा भी जरूर ढूंढ लेगा। अच्छा तो उसे जल्दी बुलाओ। सूरज को सेठ रामलाल के घर बुलाया जाता है। सूरज, क्या ये राकेश सही बोल रहा है? तुम्हारे पास अदृश्य शक्ति है? हाँ मालिक। तो ठीक है, तुम मेरा अनमोल हीरा ढूंढ के दो। मैं तुम्हें 2 मंजिलों का पक्का घर, 20 घोड़े और इतने पैसे दूंगा जो तुम्हारी 4 पुश्तें बैठ के खाएंगी। और अगर तुम अनमोल हीरा ढूंढने में नाकामयाब होते हो तो रातों रात तुम्हें गायब कर दूंगा। मलिक, आज रात गांव के पीछे जो मैदान है, मैं रात भर वहीं तपस्या करूंगा। पर उस मैदान में कोई नहीं आना चाहिए, वरना मेरा ध्यान टूट जाएगा। निश्चिंत होकर जाओ, कोई नहीं आएगा। सेठ रामलाल ने सूरज की बातें मान ली। उसी रात सूरज मैदान के बीचों बीच ध्यान करने लगा। वहीं पास में चोर सूरज पर नजर गड़ाए बैठा होता है। लगता है इसी आदमी के पास अदृश्य शक्ति है। अगर इसने मुझे पकड़वा दिया तो मुझे मार देगा वो सेठ। अभी जाकर इसके पैर पकड़ लेता हूँ। चोर सूरज के पास आता है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही सेठ रामलाल के घर चोरी की थी। और ये वो अनमोल हीरा है, आप ये हीरा ले लो, पर मेरा नाम किसी को मत बताना, मुझे मरना नहीं है। मुझे बचा लो, मुझे कुछ मत करना। अरे वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये तो खुद मेरे पास आ गया। अच्छा ठीक है, पहले रोना बंद करो और आज के बाद चोरी नहीं करोगे, कसम खाओ। मैं अपनी मरी हुई नानी की कसम खाता हूँ, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, कभी सपने में भी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हीरा लेकर सूरज सेठ रामलाल के पास जाता है। ये लीजिए आपका अनमोल हीरा। वाह वाह, इसे किसने चुराया था? कौन है वो चोर? चोर का तो पता नहीं, पर मुझे अपनी अदृश्य शक्ति से हीरे का पता चल गया था, तो मैं हीरा ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सूरज चोर का नाम नहीं लेता है और सेठ रामलाल को वो अनमोल हीरा दे देता है। सूरज को बात के अनुसार 2 मंजिला पक्का घर मिलता है, 20 घोड़े मिलते हैं और खूब सारे पैसे मिलते हैं, जिससे कि सूरज की 4 पुश्ते बैठ के खा सके। अब सूरज पूरे गांव में दूसरा अमीर इंसान बन गया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरी वजह से वो इतना अमीर बन गया। तभी सूरज वहाँ पहुँचा। हाँ भैया, आपने सही बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। और हंसते हंसते वो वहाँ से चला गया। राकेश अपने बाल नोचता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चाह कर भी सूरज का बुरा क्यों नहीं कर पा रहा था। पर कहते हैं ना, जब इंसान का अच्छा वक्त चल रहा हो तो कोई चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। और बस यही सूरज के साथ हुआ। सूरज हंसी खुशी अपने प्यारे घोड़े बादल के साथ रहने लगा और वहाँ राकेश उसे देख देख कर सूख कर कांटा होने लगा। सही कहते हैं लोग, ईर्ष्या अच्छी चीज नहीं है। राकेश ने ईर्ष्या में अपना क्या हाल कर लिया। भूतिया चिड़िया और किसान। बदलापुर गांव में मुकेश नाम का एक किसान रहता था जो खेती करता था, पर उसके खेतों में अक्सर चिड़िया बीज चुन जाती थी, जिस वजह से उसकी खेती खराब हो जाती थी और उसे बहुत नुकसान होता था। और इस बात से मुकेश बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन जब मुकेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक चिड़ियों का झुंड आ गया। झुंड को देखकर मुकेश बहुत परेशान हो गया और उसने अपने आप से कहा, ये चिड़िया तो मेरे खेत में रोजाना आकर मेरा नुकसान कर देती है, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उन सब चिड़ियों को मारने लगा। तभी एक पत्थर एक चिड़िया के सिर में लगा, जिससे वो मर गई और भूत बन गई। पर ये बात मुकेश को नहीं पता लगी और वो अपने घर लौट गया। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन जब मुकेश अपने घर सोया था,
तभी उसके घर एक भूतिया चिड़िया आई और उसने मुकेश को जगाया। मुकेश की आँख खुली तो उसके सामने भूतिया चिड़िया थी। भूतिया चिड़िया को देखकर मुकेश बहुत डर गया और उसने भूतिया चिड़िया को कहा, अरे तुम्हें तो मैंने मार दिया था, तो तुम यहाँ कहाँ से आ गई? मैं यहाँ पर तुमसे अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मारा था और अब मैं एक भूतिया चिड़िया में बदल गई हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और ना ही तुम्हारे खेतों में फसल उगने दूंगी। अरे तू क्या मेरे खेतों में फसल उगाने से रोकेगी? मैं तुझे अभी मारकर भगाता हूँ। ये कहकर जैसे ही मुकेश भूतिया चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ा तो भूतिया चिड़िया वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर मुकेश बहुत घबरा गया। अगले दिन जब मुकेश अपने खेतों में काम करने के लिए गया तो उसने देखा कि खेतों की फसल का रंग लाल हो गया था, मानो किसी ने खून की होली खेली हो। ये देखकर मुकेश बहुत डर गया। तभी वहीं पर भूतिया चिड़िया आई और उसने मुकेश से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें खेती नहीं करने दूंगी, क्योंकि इसकी वजह से तुमने मुझे मारा था ना। अब मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। ये कहकर मुकेश बहुत डर गया और वो वहाँ से भागकर सीधा साधु के पास गया और उसने साधु से कहा, साधु महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, कृपा करके आप मुझे उस भूतिया चिड़िया से बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे तुम पूरी बात बताओ। मैंने कुछ दिन पहले एक चिड़िया को मारा था और वो अब भूत बनकर मेरी जान और मेरे खेतों के पीछे पड़ी हुई है। अब आप ही मुझे बचा लीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस चिड़िया से बचा लूंगा। ये कहकर वो साधु मुकेश के साथ मुकेश के खेत में चला गया। साधु ने देखा तो खेतों का रंग खून की तरह लाल हुआ था और वहाँ पर भूतिया चिड़िया मंडरा रही थी। भूतिया चिड़िया को देखकर साधु ने उससे कहा, अरे भूतिया चिड़िया, तू क्यों इस इंसान को परेशान कर रही है? इससे गलती हो गई थी, अब उसे माफ कर दे और उसका पीछा छोड़ दे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझे मारा था और अब मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैंने क्या किया था? मैंने इसके थोड़े से अनाज ही तो खाए थे, पर इसके बदले में इसने तो मेरी पूरी जिंदगी ही मुझसे छीन ली। मैंने माना कि इससे गलती हो गई, पर अब तू इसे माफ कर दे और यहाँ से चली जा। नहीं, मैं इसको हरगिज नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार कर ही रहूंगी और इसके खेतों को भी बर्बाद कर दूंगी। और यदि हमारे बीच में कोई आया तो मैं उसे भी मार डालूंगी। ऐसा कहकर भूतिया चिड़िया और भी ज्यादा क्रोधित हो गई, जिससे वहाँ का आसमान काला हो गया और तेज हवाएं बहने लगी। और साधु समझ गया कि ये भूतिया चिड़िया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और उसने भूतिया चिड़िया से कहा, इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर साधु ने अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और भूतिया चिड़िया के ऊपर छिड़क दिया, जिससे भूतिया चिड़िया एक कवच में कैद हो गई, जिसे देखकर साधु और मुकेश बहुत खुश हुए। इसके बाद साधु ने मुकेश से कहा, मैंने इस भूतिया चिड़िया को अपनी कैद में कर लिया है, पर तुमने जो पाप किया है उसके लिए तुम्हें अपने खेत का एक तिहाई भाग का अनाज चिड़ियाओं को खिलाना होगा, तभी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनकर साधु बहुत खुश हुआ और इसके बाद उसने भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपनी कैद में कर लिया
और वहाँ से चला गया। उसके बाद मुकेश ने अपने खेत का एक तिहाई दाना चिड़ियों को दे दिया और अब मुकेश बहुत खुश था कि उसे भूतिया चिड़िया से छुटकारा मिल गया था।